Good afternoon, all of you. In last lecture, we started the chapter number 8, financial planning. Chapter number 8, banking and finance. Okay. In that, the next point is financial planning. Okay. Finance is the lifeblood of any business. ठीक है? जैसे बैंक जो है वो बैकबोन ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है. कॉमर्स और इंडस्ट्री का बैकबोन बैंक है. वैसे ही फाइनेंस जो है वो बिजनेस का ब्लड है. ठीक है? बिजनेस में अगर मनी नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता. ठीक है? तो फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड. ठीक है? अगर हमें कोई भी बिजनेस स्मूथली चलना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए ऐसा लगता है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? फाइनेंस रिक्वायर्ड है, मनी रिक्वायर्ड है. ओके? फाइनेंस जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे? तो फाइनेंस इज डिफाइंड एज इट इज प्रोविजन ऑफ मनी एट एनी टाइम व्हेन बिजनेस रिक्वायर्ड इट. ओके? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी और प्रोविजन ऑफ द मनी एट एनी टाइम. ठीक है? फाइनेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज प्रोविजन ऑफ मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी एट एनी टाइम व्हेन बिजनेस रिक्वायर्ड. ठीक है? जब भी बिजनेस को पैसों की जरूरत होगी, तभी अगर वो पैसे अवेलेबल होते हैं, तो उसको बोलोगे आप फाइनेंस. ठीक है? देन the purpose of financial planning is ensure that adequate funds are available to the business firm for its proper utilization and administration. ठीक है? अगर financial planning हम करते हैं, तो इससे हमारा जो fund है वो ensure हो जाता है कि हमारे पास पैसे available है, हमारे पास finance money या फिर fund available है. ठीक है? to यूटिलाइज इट प्रॉपर. ठीक है? पैसे तो है हमारे पास, फाइनेंस है, फंड हमारे पास है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि हमें कौन से पैसे कहाँ पे यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम करते हैं, तो हमारे लिए वो क्या होता है, हमारे बिजनेस के लिए वो बेनिफिशियल होता है. ठीक है? देयर आर थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है? मेन एस्पेक्ट मेन एस्पेक्ट्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के? तो फर्स्ट आता है एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. ठीक है? हमारा बिजनेस स्मूथ चलना चाहिए, अच्छे से सक्सेसफुली ग्रो होना चाहिए, इसके लिए हम जो भी हमारे पास अमाउंट है, जो भी कैपिटल हमारे पास है, उसको एस्टिमेट करेंगे. ठीक है? नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग द फॉर्म्स ऑफ proportionate amount of securities to be raised. ठीक है? तो हमारे पास जो भी फॉर्म है, जो उसका proportionate amount और securities हम रेज करेंगे, means जो भी फाइनेंस हमारे पास है वो कितना हमें लगने वाला है, कितना हम साइड में रखेंगे क्योंकि फ्यूचर इसमें वो हमें लग सकता है, या फिर अभी हमें कितना प्रोडक्शन करना है उसके लिए हमें कितना फाइनेंस कैपिटल लगने वाला है, इसको हम डिटरमाइन करेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है लेइंग डाउन इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान. ठीक है? इफेक्टिव पॉलिसीज हम देखेंगे कि हमारा जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें कोई इफेक्टिव पॉलिसीज हम आते हैं क्या. अगर वो इफेक्टिव पॉलिसीज आते हैं तो हम उसको यूज करेंगे. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज द फाइनेंशियल पॉलिसीज शुड बी कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स. फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या होती है या फिर वो कौन से पॉइंट्स कवर करेंगी? तो द टोटल फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस. ठीक है? फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है वो क्या पॉइंट्स कवर करेगी? तो पहला पॉइंट आता है टोटल फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस. अगर हमें कोई बिजनेस चलाना है तो उसके लिए हमें टोटल कितना फाइनेंस है, फिर कितने मनी लगने वाले हैं. ठीक है? सेकेंड पॉइंट आता है दी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दी फंड्स. जो भी फंड्स हमारे पास है उसका हम कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग दी एक्टिविटी ऑफ
फाइनेंशियल कलेक्शन एंड रीपेमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल कलेक्शन एंड रीपेमेंट के जो भी एक्टिविटीज है उसको हम कंट्रोल करेंगे, उसको हम हैंडल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन। जो भी प्रॉफिट हमें होने वाला है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, उसको पहले डिटरमाइन करेंगे कि इतना प्रोडक्शन हमें किया है, हमने किया है, इतना हमें फाइनेंस लगा है, उससे हमें इतना प्रॉफिट होने वाला है, और जो भी प्रॉफिट हमें होने वाला है उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिसीजन रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द फंड्स टू बी कलेक्टेड, ठीक है। जो भी फंड्स हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम डिसीजंस या फिर टर्म्स ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द वे एंड मीन्स नेसेसरी फॉर अचीविंग टारगेट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो हम कुछ वे या फिर मीन्स देखेंगे जो भी नेसेसरी है टू अचीव द टारगेट, ठीक है। हमारा जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो भी टारगेट है, उसको अचीव कर देखेंगे, जो भी रास्ते हैं या फिर जो भी मीन्स है, नेसेसरी मीन्स, वो हम देखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेनली डिपेंड्स ऑन इट्स साउंड फाइनेंशियल पॉलिसीज विच हैव द फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेस स्मूथली चल रहा है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सक्सेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो फाइनेंशियल पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऐसे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो फाइनेंशियल पॉलिसीज के लिए या फिर सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है। फर्स्ट आता है इट शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकाली है वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इट शुड बी इकोनॉमिकल, ठीक है। ये वो कैसे होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए जिससे हमें फायदा हो, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड प्रोवाइड फॉर सफिशिएंट कैश इन हैंड, ठीक है। तो जो भी पॉलिसीज है वो कैसे होने चाहिए, तो हमारे हाथ में कुछ तो भी कैश रहनी चाहिए जब हमें वो रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए। इट शुड प्रोवाइड फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स रेज इन द बिजनेस, ठीक है। जो भी पॉलिसीज है वो कैसी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड्स का इन द बिजनेस, ठीक है। और जो भी सफिशियंट कैश है वो हमारे हैंड में रहना चाहिए जब हमें उसकी जरूरत हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पैसा तो है लेकिन वो अटका हुआ है, अभी हमें रिक्वायर्ड है लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सफिशियंट कैश जितनी हमें हमारे बिजनेस को स्मूथली सक्सेसफुल बनाने के लिए लगनी चाहिए उतनी हमारे हाथ में होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैश। नेक्स्ट, इट शुड नॉट फेल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। जो भी प्लानिंग हमने किया है या फिर जो भी पॉलिसीज हमने निकाली है वो फेल नहीं होनी चाहिए एनी सर्कमस्टेंसेस, कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ फाइनेंस, अभी फाइनेंस के टाइप कितने हैं। तो पहला आता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंस, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल जो होते हैं उसमें बिजनेस is invested in the permanent assets such as land and buildings, plant and machineries, furniture, fixtures, etc. ठीक है, fixed capital जो होता है, fixed finance जो होता है उसमें क्या आता है, तो ऐसे कुछ भी ऐसा finance या फिर ऐसे business investors जो किसमें invest कर रहे हैं, लैंड या फिर बिल्डिंग में कर रहे हैं, प्लांट्स में कर रहे हैं या फिर मशीनरीज में कर रहे हैं, फर्नीचर्स में कर रहे हैं, ये कैसे, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए या फिर हम बोल सकते हैं इनको कि फिक्स है, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने अगर कोई बिल्डिंग खड़ी की है, ठीक है, तो वो आज वो उसने बिल्डिंग खड़ी की और कल वो उसको बेच देगा क्या, या फिर कल ही उसको उसके पैसे मिल जाएंगे क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो इन्वेस्टमेंट कैसा है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वैसे अगर हम फर्नीचर बनाते हैं घर में तो वो कैसा होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे फिक्स कैपिटल, ठीक है। देन दिस एसेट्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज, ठीक है। तो
ये जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं तो ये बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे अगर हमें कोई बिजनेस खड़ा करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है, तो उसके लिए जो भी मशीनरीज लगने वाली है, जो बिल्डिंग लगने वाली है, वो हम पहले ही खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता कि आज हमने बिल्डिंग खड़ी की और कल उसको बेच दिया, या फिर आज मशीन लिया और कल उसको बेच दिया, तो ऐसे हम हमारा बिजनेस नहीं चला सकते। तो बिजनेस या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, देन अ बिजनेस मे मीट इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेस। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है, तो वो कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, हमें कलेक्ट करना है कैपिटल, तो वो कहाँ से मिल सकता है, तो पहला आता है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, हम कर्जा निकाल सकते हैं, या फिर ऋण पत्र बना सकते हैं, जिसको हम प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं। ठीक है, या फिर स्टैम्प पेपर हम बना सकते हैं कि ये रेंट पर ले सकते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर कुछ पैसे किसी से हम उधार पे ले सकते हैं, या फिर स्टैम्प पेपर पे लिखवा के कुछ कभी प्रॉपर्टी उसके पास रख के हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है होल्डिंग बैक इट्स ओन प्रॉफिट। ठीक है, मुनाफा जो है होने वाला, उसका उसके बारे में हम सोच के फिर हमारा जो भी कैपिटल है उसको कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। देन पब्लिक डिपॉजिट से हम पैसे ले सकते हैं, लाइक लोगों से हम ले सकते हैं कि हमें अभी पैसे की जरूरत है तो आप दे दो, बाद में हम आपको रिटर्न करेंगे। लोन ले सकते हैं फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनसे हम लोन ले सकते हैं, या फिर टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, या तो फिर हम बैंक से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर लोन ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, तो ये दिस आर द सोर्स ऑफ द कैपिटल। ठीक है, जो भी फिक्स कैपिटल है उसे खड़ा करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो फाइनेंस चाहिए। तो वो फाइनेंस हम कहाँ से लेंगे, तो इन सोर्सेस से हम उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बिजनेस तो हमने खड़ा किया, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए जो लगने वाला है उसको बोलोगे आप वर्किंग कैपिटल। लाइक बिजनेस जब चल रहा है तो उसमें परचेस ऑफ रॉ मटेरियल होता है, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा, मीटिंग डे एक्सपेंसेस लगेंगे डे बाय डे, लाइक कुछ जो भी वेस्टेज हो रहा है, या फिर जो भी वर्कर्स है उसको सैलरी देना है, रेंट देना है, टैक्सेस भरने हैं, इंटरेस्ट देना है, ये जो भी बातें आती है उसको बोलते हो आप वर्किंग कैपिटल्स। ठीक है, ये हर दिन या फिर हर हफ्ते हर महीने चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिक्स एक बार दे लिया तो ले लिया, ऐसा नहीं होता। वर्किंग कैपिटल में सैलरी जो है आप मंथली करते हो, ऐसा थोड़ी कि आज सैलरी दे दी तो आपको उसको देने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो आप वो मंथली करते हो, डे बाय डे करते हो, तो ऐसे जो भी कैपिटल्स आते हैं, फाइनेंस आता है, इसको बोलते हो आप वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल। रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल, ठीक है, इधर से हमें प्रॉफिट हो रहा है, इधर हम उसको रेंट जो है उसको दे रहे हैं, टैक्स वालों को दे रहे हैं, या फिर सैलरी हम वर्कर्स का कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, रिवॉल्विंग कैपिटल हुआ, या फिर सर्कुलेटिंग। ठीक है, जो पैसा आ रहा है वो हम उनको दे रहे हैं, फिर से पैसा आ रहा है, फिर से हम उनको दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है या फिर सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज The working capital is of two types. जो भी working capital होते हैं उसके दो types होते हैं, या फिर circulating या revolving capital के two types होते हैं। First one is permanent or fixed working capital. Permanent or fixed working capital. और second होता है variable working capital. ठीक है, permanent और fixed working capital जो होता है, it is always necessary for a business to maintain the certain मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स एंड पे रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज वेजेस सैलरीज रेंट इंटरेस्ट एक्सेट्रा। द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नीडेड इमिडिएटली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू बिजनेस। ठीक है, जैसे हमने बिजनेस तो खड़ा कर लिया, फिक्स कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर दिया, अभी हमें परमानेंट फिक्स कैपिटल जो है वो भी खड़ा करना पड़ता है। लाइक पहले ही मंथ में हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, या फिर जो भी हम बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें पहले तो मटेरियल लगेगा। ठीक है, बिल्डिंग तो हमने खड़ी कर ली, मशीन्स भी लगा लिए, लेकिन पहली बार फर्स्ट इसमें जब हमें
मटेरियल चाहिए तो उसके लिए लगने वाला पैसा, पहले मंथ के जो रेंट देने वाले हम उसके लिए लगने वाला पैसा, या फिर जो भी इंटरेस्ट हम पहले मंथ के लिए देने वाले हैं उसका पैसा, या फिर जो भी सैलरी हम फर्स्ट मंथ के लिए करने वाले हैं उसका पैसा, वो कहाँ से आएगा? तो एक महीना होने के बाद में डायरेक्टली हमें प्रॉफिट तो नहीं मिल सकता, तो ये सब हमें पहले ही फिक्स करके रखना पड़ता है। इसके लिए इसको बोलते हैं परमानेंट या फिर फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल है लेकिन पहले से फिक्स है कि ये लगने वाला ही है, इसको हम साइड में निकाल के रखेंगे। नेक्स्ट आता है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर पर्पस फॉर व्हिच नीडेड फॉर द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, फर्दर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू मीट द डिमांड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जैसे हमारा जो बिजनेस है उसमें सडनली कोई प्रोडक्ट है उसकी जो उसका वॉल्यूम हमें बढ़ाना है, क्योंकि हम पहले 1000 प्रोडक्ट्स बनाते थे, अभी हमें वो 1200 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए जो पैसा इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए जो फाइनेंस मटेरियल जो भी वर्किंग वर्कर्स जो है वो सब कुछ जो लग रहा है, उसके लिए जो कैपिटल हम जमा करेंगे उसको बोलोगे वेरिएबल कैपिटल। क्योंकि वो उसी मंथ के लिए हुआ है, आगे वो बढ़ सकता है या फिर कम भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ा तो और पैसे लगेंगे, कम हुआ तो पैसे कम लगेंगे, तो ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिक्स, जैसे हमने मंथली सेट किया था वो फिक्स था, परमानेंट था, लेकिन अभी जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, इस मंथ में ज़्यादा हमें प्रॉफिट होने वाला है या फिर ज़्यादा वॉल्यूम हमें बनाना है, तो इस मंथ में हमें ज़्यादा फाइनेंस लगेगा, उसको बोलोगे आप वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इज रेज फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस, इसको हम कहाँ से लेंगे? तो वर्किंग कैपिटल को हम शेयर्स से भी ले सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, देन डिबेंचर्स से ले सकते हैं, प्लॉगिंग बैक इट्स ओन प्रॉफिट से ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक जो होती है वहाँ से भी हम लोन ले सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है, बैंक्स जो होती है, वहाँ से भी हम वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं। ठीक है, नाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, पहला हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, उसमें फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में टू टाइप्स, परमानेंट फिक्स वर्किंग कैपिटल एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अभी हमें नेक्स्ट क्या देखना है, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस के कौन से सोर्स है? फर्स्ट आता है ओन कैपिटल एंड सेकेंड वन इज लोन कैपिटल। ठीक है, ओन कैपिटल मीन्स जो हमारा पैसा है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लोन कैपिटल जो भी बिजनेस हमें खड़ा करना है उसके लिए हम बैंक से लोन ले रहे हैं। ठीक है, ओन कैपिटल जो होता है उसमें सोलो प्रोप्रेटरशिप, पार्टनरशिप या फिर शेयर होल्डर्स आते हैं। ठीक है, सोलो प्रोप्रेटरशिप में जैसे हमें कोई फार्मेसी की शॉप खड़ी करनी है तो उसके लिए हम हमारा जो पैसा है उसे इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमें पार्टनरशिप में कोई शॉप खड़ी करनी है तो पार्टनर और हमारा पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स है तो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए लोन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन और जो भी अवेलेबिलिटी होती है या फिर जो भी रिटर्न हमें मिलता है, जो भी प्रॉफिट हमें मिलता है वो हम ही रखते हैं, क्योंकि हमने ही पैसा इन्वेस्ट किया है, हम लोन नहीं चुकाते या फिर किसी बैंक को वो पैसा नहीं देते। ठीक है, जो हमारा पैसा है वो हम ही लेते हैं, पार्टनरशिप में होगा तो पार्टनरशिप में रहेंगे, शेयर होल्डर्स में होगा तो शेयर होल्डर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है लोन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इज लोन कैपिटल। लोन कैपिटल जो है वो इंडिविजुअल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती है वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। लोन कहाँ से लेते हैं हम? जो भी इंस्टीट्यूशंस होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर इंडिविजुअल बैंक्स जो होती है वो लोन प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये पीरियोडिकल पेमेंट या फिर इंटरेस्ट के ऊपर होता है, जो भी फिक्स रेट होता है वो हमें रीपेमेंट करना पड़ता है। लोन कैपिटल आफ्टर एक्सपायरी डेट। ठीक है, मीन्स जो भी डेट होगी मंथली उनको भरना होगा, कुछ तो भी इंस्टॉलमेंट्स उनको देने होंगे, या फिर हमें वो जो भी हमें टाइम लिमिट दिया होता है, डेट दी होती है, ड्यू डेट जो दी हुई होती है उससे पहले हमें वो जो भी पैसा होगा वो बैंक को रिटर्न करना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ये जो लोन कैपिटल है इसके सोर्सेज क्या क्या है। द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, इसके जो सोर्सेज है उसको हम थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, लोन कैपिटल जो है पहला पॉइंट उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस।
सेकेंड पॉइंट आता है उसमें मीडियम टर्म फाइनेंस एंड थर्ड आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसमें क्या क्या आना है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है जिसमें हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड के लिए मोर देन 10 ईयर्स के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलोगे आप फिक्स या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, जैसे आपने कोई लैंड खरीदी या फिर बिल्डिंग ली या फिर प्लांट मशीनरीज लिए, तो इसके लिए जो फाइनेंस आपको लगने वाला है उसे बोलोगे आप, उसके लिए अगर आप लोन निकालते हो तो उसको बोलोगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस आते हैं उसमें चार टाइप्स आते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो पहला जो है शेयर्स, ये स्मॉल स्केल बिजनेस, जो भी स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं उसमें द होल ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स। ठीक है, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो ओनर्स खुद से ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बट लार्ज स्केल अगर बिजनेस है या फिर ओनरशिप अगर है तो उसमें शेयर्स वो पब्लिक के लिए खुले करते हैं, पब्लिक उसमें उस इंस्टीट्यूशन में से या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं। द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स सच एज अ पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ शेयर्स। ठीक है, अगर छोटी सी इंस्टीट्यूशन है, छोटा सा बिजनेस है, तो खुद से जो भी ओनर है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कोई बड़ी कंपनी खड़ी करनी है तो उसके लिए फाइनेंस हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल शेयर्स उसके करेंगे, 6 पार्टनर्स, 7 पार्टनर्स, 10 पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स होंगे उसमें इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उससे फाइनेंस कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हो आप शेयर्स। ठीक है, इक्वल परसेंटेज में उसको हक देंगे। नेक्स्ट आता है शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, शेयर्स जो होते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं, प्रिफरेंस शेयर एंड ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, पहला आता है प्रिफरेंस शेयर एंड सेकेंड आता है ऑर्डिनरी शेयर। प्रिफरेंस शेयर जो होते हैं, प्रिफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी अ प्रिफरेंस बोथ रिगार्डिंग डिविडेंड एंड द रिटर्न ऑफ द कैपिटल। दिस शेयर्स आर प्रिफर्ड बाय दोज पीपल्स हु डू नॉट लाइक टू रिस्क देयर कैपिटल completely and it want to income which is higher than that if invested in some of other scheme. The preference shareholders get a fixed dividend from the profit and remaining profit is divided among the ordinary shareholders. The preference shareholders is get a fixed dividend in case of winding up of the organization. ठीक है, preference shares क्या होते हैं, तो जो भी प्रिफरेंस शेयर्स होते हैं वो जो भी प्रॉफिट हमें होने वाला है उसके रिटर्न से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो प्रिफरेंस शेयर्स जो होते हैं उसमें जो भी प्रॉफिटर्स है या फिर जो भी लोग हैं जो शेयर होल्डर्स है उनको सेम प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर्स है उनको कैसा प्रॉफिट मिलता है, सेम प्रॉफिट मिलता है, वो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की कोशिश वो करते हैं। ठीक है, देन ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज इक्वालिटी शेयर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इक्वालिटी शेयर्स होते हैं। प्रिफरेंस शेयर में क्या होता है, तो जितने ज़्यादा शेयर्स जिसके होंगे उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या होता है, तो सबके इक्वल शेयर्स होते हैं जिसके सबको इक्वल प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो सबको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट आता है डिबेंचर्स। ठीक है, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग द लोन आल्सो गिव्स द अंडरटेकिंग टू रीपे द स्पेसिफाइड बोरो सम अलोंग विद द इंटरेस्ट ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर्स और अ प्रिस्क्राइब्ड डेट। ठीक है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, तो कर्जा लेने वाले लोग। ठीक है, तो हम लोन ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, तो इसके लिए हम एक एक्नॉलेजमेंट बनाएंगे, एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसपे ड्यू डेट लिखा होगा कि इतने डेट से पहले आपको पैसे मुझे लौटाने हैं। ठीक है, तो जो भी होल्डर्स होते हैं, जो पैसे लेते हैं, डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनको इंटरेस्ट के साथ सम उनको डेट से पहले लौटानी होती है, तो इसके लिए वो क्या बनाते हैं, तो एक सर्टिफिकेट बना के लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये जो डिबेंचर्स होते हैं,
इनको जो पेमेंट करना होता है उसको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, उतना ही इंटरेस्ट उनको देने ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या है, इट मीन्स री इन्वेस्ट द प्रॉफिट इन द बिजनेस, ठीक है। प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करना है। The profit earned by the business organization is not distributed, only a partially distributed among the ordinary shareholders or partners. The money which is saved in this manner is reinvested in the business. The fund is generally known as a reserve fund. ठीक है, जैसे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रही है, स्मूथली चल रही है, तो जो पैसा प्रॉफिट आ रहा है हमें उसको हम क्या करेंगे, तो पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ, और कुछ रिजर्व फंड करके रखेंगे। ठीक है, जैसे हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो 10 लाख रुपए हम रिजर्व फंड करके रखेंगे, और जो 90 लाख रुपीस थे या फिर 80 लाख रुपीस थे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलोगे आप रिजर्व फंड। ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में पहला पॉइंट आता है फिक्स कैपिटल, सेकेंड आता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और थर्ड वन इज सोर्स ऑफ द फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल जो है उसमें परमानेंट और वेरिएबल, हमने पहले ही देखा। देन नेक्स्ट जो है सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में 3 टाइप आते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है उसमें इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्लॉगिंग बैक ऑफ फाइनेंस, दीज आर द 4 टाइप्स विच अंडर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज मीडियम टर्म फाइनेंस, इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन्स, टर्म डिपॉजिट, असिस्टेंस फ्रॉम स्पेशल इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दीज आर द 5 पॉइंट्स विच कम अंडर द मीडियम टर्म फाइनेंस। नाउ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, देर आर 4 पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज ट्रेड क्रेडिट, देन बैंक क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट एंड कस्टमर्स एडवांस। Now, next point is financial institutions, okay? In financial institutions, there are some points like जो भी institutions या फिर जो भी ऐसे banks हम बोल सकते हैं जो finance provide करते हैं या फिर loan provide करते हैं industry, ठीक है? तो इसमें long term finance भी आ सकता है या फिर medium term finance provide करने वाली industry भी आ सकती है, ठीक है? तो पहला आता है वेरिएबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, पहला है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1948 में हुआ, और जो भी ऑब्जेक्टिव है इस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, वो है जो भी पब्लिक है या फिर जो भी ऐसे इंडस्ट्रीज है उनको जिनको लोन की जरूरत है उनको लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो आप 25 इयर्स से ज़्यादा अभी इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री को या फिर फाइनेंशियल बैंक को हो गए हैं जो लोन प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, IDBI बैंक, ठीक है। तो सबको पता है IDBI बैंक जो होती है वो लोन प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो जुलाई 1964 में, ठीक है। 1964 से ये जो बैंक है वो कोऑर्डिनेट, रेगुलेट और सुपरवाइज कर रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IFCI, ICICI, UTI, LIC या फिर कमर्शियल बैंक जो है उनको ये क्या करती है, तो कंट्रोल करती है। IDBI बैंक क्या करती है ना, जो 1964 जुलाई में एस्टेब्लिश हुई थी वो IFCI, ICICI, UTI, LIC एंड कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करती है, ठीक है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है, ओके, लॉन्ग टर्म बेसिस पर। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, ठीक है। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई, जनवरी 1955 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI, ठीक है। तो ये 20 मार्च 1985 में एस्टेब्लिश हुई, और ये
सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होती हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन NSIC बैंक, ठीक है। तो फेब्रुआरी 1955 में ये प्राइवेट बैंक एस्टेब्लिश हुई और ये भी लोन प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ठीक है, जैसे इक्विपमेंट्स हो या फिर मशीनरी हो, वो परचेस करने के लिए जो फाइनेंस लगता है वो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बैंक प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेशन, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेशन क्या है, तो ये जो स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेशन एक्ट है 1955 में आया, ठीक है। ये क्या है, एक एक्ट है जिसके तहत हम बैंक में से लोन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर शेयर्स स्टॉक्स जो है या फिर डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्ट है जो 1951 में एस्टेब्लिश हुआ, स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेशन। नेक्स्ट स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन SIDC's, ठीक है। तो ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट का एक एक्ट है या फिर हम कोऑपरेशन बोल सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने के लिए वो हम क्या कर सकते हैं, तो इंडस्ट्रीज के लिए लोन ग्रांट करके ले सकते हैं बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इट एस्टेब्लिश इन 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो स्टिमुलेट एंड पूल टुगेदर द सेविंग ऑफ द पीपल्स बिलोंगिंग टू मिडल एंड लो इनकम ग्रुप्स, ठीक है। मिडल क्लास फैमिली जो होती है उनको सेविंग मनी सेव करने के लिए स्टिमुलेट करना, ठीक है, ये UTI का काम है। देन नेक्स्ट आता है फिर ये कैसे करते हैं, तो उनको कुछ अट्रैक्टिव इंटरेस्ट दे के वो सेविंग के लिए उनको पुल अप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एनेबल द इन्वेस्टर्स टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द ओवर ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न इन द कंट्री, ठीक है। कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, इंडस्ट्रीज होने चाहिए, इसके लिए शेयर्स एंड बेनिफिट्स जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको शेयर करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, तो उनको पुशअप करते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मीडियम टर्म फाइनेंस, ओके। इट रिमेन्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द पीरियड बिटवीन 3 to 10 years। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कितना था, तो मोर देन 10 years हम इन्वेस्टमेंट करते थे। अभी मीडियम टर्म फाइनेंस जो है वो हम कितनी देर तक कर सकते हैं, कितने पीरियड तक कर सकते हैं, तो 3 to 10 years तक, ठीक है। मीडियम टर्म फाइनेंस इज जनरली यूज टू इम्प्लीमेंट एक्सपांशन एक्सटेंशन एंड मॉडरेशन ऑफ द प्रोग्राम्स, ठीक है। लाइक जो भी बिजनेस है उस बिजनेस में हम इन्वेस्ट करेंगे या फिर उसके लिए हम लोन अप्रूव करके ले सकते हैं, लेकिन कितने ईयर्स तक, तो 3 to 10 years तक हम मीडियम फाइनेंस ले सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, इसमें 2 points आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पब्लिक डिपॉजिट्स एंड सेकंड पॉइंट इज मॉर्टगेज, ओके। पब्लिक डिपॉजिट्स जो होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, तो जो भी कॉमन मैंस जो होते हैं जो सेविंग अकाउंट्स ओपन करते हैं कुछ बैंक्स में, ठीक है, तो वो जो बैंक के अकाउंट्स होते हैं उसमें वो जो पैसे रखते हैं सेविंग अकाउंट्स में वो बैंक हमें लोन पर देती है, ठीक है। पब्लिक के जो भी डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में वो हम लोन के तौर पर निकालते हैं और 1 to 3 years तक, 1 to 3 years तक हम उसको यूज कर सकते हैं और उसका इंटरेस्ट हम बैंक में सबमिट करते हैं। वही इंटरेस्ट वो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या फिर डिपॉजिट किया होता है उनको देते हैं। तो ये जो टाइप है या फिर ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। वो क्या रहा है, जो भी लोग सेविंग अकाउंट्स बैंक्स में ओपन करते हैं उसी बैंक से हम लोन के तौर पर वो डिपॉजिटेड पैसे लेते हैं और उनको इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। सेकंड पॉइंट इज मॉर्टगेज, ठीक है। तो इसमें जो भी सिक्योर लोन होता है वो हम बैंक से लेते हैं, ठीक है। मीन्स बैंक के कुछ पॉलिसीज होते हैं उसमें एक पॉलिसी आती है कि बैंक का जो पैसा होता है उसे हम लोन के तौर पर लेते हैं, वो डिपॉजिटेड पैसा नहीं होता, तो बैंक हमें लोन देती है बैंक के पैसों में से, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हमें कोई ड्यू डेट दिया हुआ होता है, उससे पहले हमें वो पैसा उनको देना पड़ता है और उसके बदले में हमें बैंक को कोई प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। लाइक हमारे घर
घर के कागजात दे सकते हैं, या फिर कोई भी जो भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हमने खड़ा किया है उसके कागजात दे सकते हैं, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स हमें बैंक को सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, हर महीने में हमें वो ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं होती, हम हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसको उसके पेपर्स हम बैंक को सबमिट करते हैं, और जब हम उनको पूरा पैसा दे देते हैं तब वो पेपर्स हम छुड़वा सकते हैं। तो इस टाइप के लोन को बोलते हो मॉर्टगेज। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो होता है वो लेस देन वन ईयर, ठीक है, वन या फिर टू ईयर्स से कम का जो भी लोन हम लेते हैं, जैसे एजुकेशन लोन आता है तो उसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, लेकिन एजुकेशन लोन जो है वो इंडस्ट्रियल लोन में नहीं आता, तो इंडस्ट्री के लिए भी हम लोन ले सकते हैं लेस देन वन ईयर का, तो उसको बोलोगे शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो जो सेशनल या फिर करंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लाइक हमें हमारे जो वर्कर्स हैं उसकी सैलरी करनी है, या फिर इस मंथ का हमें जो भी कैपिटल है वो बढ़ाना है, जो भी वॉल्यूम है वो बढ़ाना है, तो इसके लिए जो फाइनेंस हम लेंगे उसको बोलोगे आप, जैसे इस मंथ के लिए हमें रॉ मटेरियल परचेस करना है, पेमेंट बढ़ाना है, या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर जो इस साल हमें लगने वाला है उसके लिए हम लोन ले रहे हैं, तो उसको बोलोगे शॉर्ट टर्म फाइनेंस, क्योंकि एक साल के बाद में दो साल के बाद में हम वो पूरा लोन उनको फिर से चुकाने वाले हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलोगे शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, इसमें चार टाइप्स आते हैं, फर्स्ट इज ट्रेड क्रेडिट, सेकेंड वन इज बैंक क्रेडिट, थर्ड वन इज इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, एंड लास्ट वन इज कस्टमर्स एडवांस। ओके, फर्स्ट ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, तो 30 to 90 days के लिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर होलसेलर्स जो होते हैं वो रिटेलर्स को 30 to 90 days का क्रेडिट देते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर से 30 days या फिर 90 days तक, एक महीना या फिर 3 महीने तक वो उधार पर माल ला सकते हैं, प्रोडक्ट्स ला सकते हैं उनसे, और 3 महीने के बाद में या फिर 1 month के बाद में वो उनको पैसे लौटा सकते हैं। इस पर कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं देना पड़ता, कोई भी चार्ज उनको नहीं देना पड़ता है, सिर्फ जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइस थोड़ी बड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, जो भी कैश प्राइस उनको देना पड़ता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, हायर प्राइस होता है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, और लिमिट कितना होता है, तो 30 to 90 days। नेक्स्ट आता है बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक्स जो होते हैं लाइक कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, तो वो वन मंथ से लेकर 12 months तक, मीन्स एक साल तक हमें लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो होता है हमारे जो भी सिक्योरिटीज होते हैं, लाइक हमने पहले भी बोला था कि पेपर्स जो होते हैं, कुछ तो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स हमें उनके पास सबमिट करने पड़ते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, इंटरेस्ट हमें साथ में एक साथ में पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ उनको देने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। ठीक है, तो ईएमआई जैसे हम भरते हैं, पैसा तो हम एक साथ में लोन के तौर पर ले लेंगे, लेकिन हमें हर मंथ में ईएमआई उनको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में ईएमआई बोल सकते हैं, और ये जो होते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, ये हम छोटे छोटे इस पर भी ले सकते हैं, लाइक हमने कोई भी एक मशीन खरीदी किया है, लाइक रेफ्रिजरेटर होता है, टेलीविजन होता है, टीवी होता है, या फिर वॉशिंग मशीन होता है, इसके ऊपर भी हम जो ईएमआई देते हैं वो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कस्टमर एडवांस। इसमें समटाइम्स जो भी फर्म्स होते हैं या फिर जो भी इंडस्ट्रीज होती है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस कस्टमर्स से एडवांस पर लेते हैं, लाइक अगर हमें अगले मंथ में कोई भी हमारा कोई रिटेल का शॉप है और हमें अगले मंथ में कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हम एडवांस में उसका पेमेंट कर देंगे कि हमें अगले मंथ में ये प्रोडक्ट हमने देने हैं, लेकिन पेमेंट हमने कब किया, इसी मंथ में कर दिया, एडवांस में कर दिया। तो ऐसा अगर हम होलसेलर्स को, मैन्युफैक्चरर को, या फिर कोई भी इंडस्ट्री को करते हैं तो इसको बोलते हैं कस्टमर्स एडवांस। ठीक है, कस्टमर्स से हमने एडवांस में पेमेंट ले लिया है उसको गुड प्रोवाइड करने से पहले। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हमने चार पॉइंट्स देखे, ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट एंड कस्टमर एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस ये जो चैप्टर था हमारा ये अभी खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, वहां से हमारा अकाउंटेंसी स्टार्ट होगा। ठीक है।